Hello everybody, I'm Neeta Sharma from Microcomputers. पिछली वीडियो में हमने DOS के बारे में थोड़ा बहुत जाना, आगे बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि DOS की स्क्रीन किस प्रकार की दिखाई देती है और ये जो लिखा हुआ आता है C colon path sign, ये जो आप देख रहे हैं ये ही हमारा ये prompt कहलाता है और ये हमारा कमांड लाइन कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, ये कर्सर है हमारा, तो हम यहाँ कमांड लिखते हैं। मैं ये सारी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, फिलहाल मैं केवल आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मेरे को और बहुत सारी बातें अभी यहाँ पे आपको बतानी है। तो ये हमारा DOS प्रॉम्प्ट कहलाता है और हमने इम्पोर्टेंस DOS की समझी थी कि DOS सभी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, कंपैटिबल है, कई उसमें विंडोज के तो जितने भी हैं उन पे सब पे DOS चलता है, सिस्टम मींस सिस्टम या सॉफ्टवेयर जितने भी हैं उन सभी पे DOS काम करता है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारे DOS पर ही जाके रन होते हैं, लेकिन अभी ये हम कहें कि MS-DOS, ये वाला MS-DOS हमारा डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो कौन सा DOS चल रहा है? DOS अब भी चल रहा है, DOS अब भी उपयोगी है, लेकिन अब हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी फैसिलिटी दे दी गई है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे सामने आ चुका है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डले डलाए आते हैं, तो ये अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डला डलाया आता है और इसमें अब माउस भी चलता है। GUI ये अभी भी नहीं है, लेकिन विंडोज GUI है, तो विंडोज पे आप जानते हो कि आप माउस से काम करते हो, इसके DOS में जब आप चले जाते हो तो माउस से काम नहीं करेंगे, माउस भी चल जाता है लेकिन पूरी तरीके से ग्राफिक्स पे अपन वहां काम नहीं कर सकते। तो DOS का काम करने का तरीका वही है, वही अपन हाथ से ही कर्सर से कीबोर्ड से ही अप एंड डाउन वगैरह मूव करते हैं और वही अक्षरों के साथ इंटरफेस बनाते हैं, यानी CUI पर आधारित है। आइए DOS की बहुत सारी हिस्ट्री तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री जानने के लिए आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, आप एनसाइक्लोपीडिया पे इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। मैंने वो आवश्यक बातें बताई जिन्हें समझने में, जो समझने के लिए आवश्यक होती है, जो बेस होता है। थोड़ी सी और जानकारी जो आवश्यक है वो मैं यहाँ देना चाहूंगी। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया 8086 प्रोसेसर के लिए, या IBM PCs, जो IBM के इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के जो कंप्यूटर्स थे उनके लिए ये बना, पहले प्रारंभ में बन पहले चुका था। मैं फिर बता रही हूँ 8086 इसका सक्सेस वर्जन निकला इंटेल का, तो इंटेल प्रोसेसर का, तो वहीं से ये बना, तो वही इसके भी नाम उस हिसाब से हो गए। ये असेंबली भाषा में लिखा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में DOS है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि डिसकंटिन्यू है, लेकिन अभी कमांड लाइन चल रही है, विंडोज का DOS हम प्रयोग में ले रहे हैं, तो वो हमारा चल रहा है। प्रारंभ में ये अगस्त 1981 में, यानी 35 में से आप लगा लें इतने वर्ष पूर्व, 1981 में अगस्त में ये रिलीज हुआ था और इसका फाइनल रिलीज जो आया, फाइनल वर्जन में से जो आया था वो था 8.0 और वो आया था सितंबर 16 में 2000 में। जब से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना है तब से फिर विंडोज काम कर रहा है, विंडोज काम कर रहा है, या GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी बने तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तब से काम कर रहे हैं।
प्रारंभ में जब एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था तब विंडोज का एक वर्जन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में इसमें काम में लिया जाता था जिसका नाम था विंडोज 3.1। मैंने उस पर काम किया उस समय। तो विंडोज 3.1 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, विंडोज 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 3.1 पे मैंने काम किया। तो मतलब वहां तक मैंने इसको देखा। विंडोज 3.1 के बाद जब लगा कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि विंडोज 3.1 का स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो GUI था, माउस चलता था और अलग अलग विंडो खुलती थी, तो काम करने में डोस की अपेक्षा सुविधाजनक था। तब फिर आवश्यकता हुई कि कुछ ऐसा बनाए जो इस तरीके से कंप्यूटर इसी से चालू हो जाए और इसी पे काम करना पड़े, अपने को दिक्कत नहीं आए। तब फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज 95 बना, और जब 95 बना तब तक डोस बिल्कुल समाप्त हो गया था। और फिर विंडोज 95 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एमएस डोस आया कमांड लाइन के रूप में और वो डोस चलने लगा। तो डोस तो वही डोस है, लेकिन बस फर्क इतना है कि पहले कंप्यूटर को चलाने के लिए वो जरूरी था, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए विंडोज के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सामने आ चुके हैं वो सब जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि विंडोज के डोस के वर्जन कौन कौन से हैं जो मार्केट में आए हैं और जिन पे काम किया गया है। तो विंडोज डोस के जो वर्जन हैं वो हमारे सबसे पहले डोस का 1.x बना, यानी 1.x की सीरीज निकली। 1.x की सीरीज मतलब सबसे पहले जब नाम वर्जन डोस बना तो उसको नाम दिया डोस एमएस डोस 1। फिर 1 को और विस्तार किया गया तो उसको नाम दे दिया गया 1.10, 1.11, 1.14, 1.24, 1.25। इस तरीके से ये 1.x ही सीरीज चली। तो ये 1 वर्जन जब लगा कि अब बहुत हो चुका तो फिर इसका एक नया वर्जन, फिर दूसरा नाम दिया एमएस डोस 2, 2.x। इस प्रकार से 2.x की सीरीज निकली। फिर वर्जन 3.x बना, यानी 3.1, 3.2 इस तरीके से इसमें चले। और फिर बना आपका एमएस डोस 4.0। फिर 4.0 में 4.x हो गया, उसमें आपके बहुत सारी सीरीज निकली। उसके बाद आपके सामने आया एमएस डोस 5, फिर आया आपके सामने एमएस डोस 6, फिर आया आपके सामने एमएस डोस 7 और फिर एमएस डोस 8। इस प्रकार से हमारे ये वर्जन्स जो हैं डोज के अब तक चल रहे हैं, जैसे विंडोज में भी वो चल रहे हैं, तो लेटेस्ट वर्जन विंडोज में चल रहे हैं। और 6.1 से जो है विंडोज में हम काम में ले रहे हैं लगभग ये वर्जन्स। तो 6.x की सीरीज में 6.0, 6.2, 6.21, 6.22 हमारे सामने आए थे। फिर हमारा विंडोज 95 जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना उस पे वर्जन 7 के भी हम लोगों के काम में आने लगा, मीन 7.1 आदि को यूज में रहने लगे। विंडोज एक्सपी में वर्जन 8.0 काम में लिया जा रहा है अभी, अगर एक्सपी को कोई काम में ले रहे हैं। तो इस प्रकार से विंडोज के 8 तक डोज के 8 तक वर्जन आ चुके हैं। ये हमने देखा विंडोज डोज के वर्जन्स के बारे में कि डोज के वर्जन्स कौन कौन से हैं, और हमने यहाँ पे डोज की इम्पोर्टेंस को भी समझा। अब आइए बात करते हैं कि डोज में हम काम किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि डोज में हम CUI के आधार पर इंटरफेस करते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। डोज में हम कमांड लाइन पर कमांड लिखते हैं, जैसे हमें स्क्रीन क्लियर करनी है तो हम लिखेंगे CLS तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। हमें उस जमाने में टाइम डेट देखनी होती थी तो हमें लिखना होता था DATE और फिर हम एंटर करते थे तो फिर डेट प्रदर्शित होती थी। इस प्रकार से पूर्व निर्धारित प्रारूप में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे और अभी भी हैं, और उन्हें हम बोलते हैं कमांड्स। ये कमांड्स जो होते हैं ये
इनको लिखने का एक तरीका होता है जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जाम्पल से इनको देखते हुए, मीन्स कैसे लिखा जाता है वो देखते हुए, हम इस पे थोड़ा सा काम करेंगे और कमांड्स को समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं बता दूं कि कमांड्स जो होते हैं, इसके दो तरह के कमांड्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक, और आंतरिक का मतलब वही जैसे मैंने कहा कि विंडोज के साथ जो चीजें, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो चीजें डली डलाई आ रही हैं वो हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। जैसे ही विंडोज डालते हैं तो उसके साथ हमेशा अपने कंप्यूटर में डल जाती हैं, इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार के से डोज के वो कमांड जो आवश्यक हैं, जो अगर डोज में नहीं है तो काम ही नहीं चलेगा। तो और कुछ सुविधा के लिए, जैसे डेट देखनी है, टाइम देखनी है, स्क्रीन क्लियर करना है, तो ऐसे कमांड्स जो डोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बने बनाए थे, उन सब कमांड्स को इंटरनल कमांड कहा गया। और कुछ कमांड होते हैं जो इतने आवश्यक नहीं है, जिनकी आवश्यकता हो, जो समझता हो उन कामों को, तो फिर उनको उसको वो लेके और अपने कंप्यूटर में डालने होते थे, तो वो एक्सटर्नल मेमोरी में हुआ करते थे। एक्सटर्नल मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क का डी पार्ट, ई पार्ट, पेन ड्राइव, ये सब आपकी बाहरी मेमोरी कहलाती है जो आप बाहर से लगाते हैं। तो उनमें लेके सीडी में, उस समय पे सीडी चलती थी, और जब डोज बना था तब तो फ्लॉपी डिस्क चला करती थी डोज के समय पे। तो वो जो कमांड आप बाहर से लाके, मीन्स बाद में अपनी आवश्यकता अनुसार डालते हैं और कंप्यूटर में चलाते हैं, जैसे हम विंडोज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे उस तरह से, तो वो कमांड एक्सटर्नल कमांड कहलाए। तो डोज में दो तरह के कमांड होते हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड्स। और इन कमांड्स को लिखने का एक तरीका होता है जो जिसे हम सूत्र कहते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से विंडोज का बूटिंग प्रोसेस होता है, उसी प्रकार से डोज का भी एक बूटिंग प्रोसेस होता था, प्रारंभ करने की प्रक्रिया होती थी जिसे हम बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। पर डोज में कैसे प्रारंभ होता था, एक तो पहली बात ये थी कि डोज का नाम डोज ही क्यों था, क्योंकि उस समय डिस्क चला करती थी, डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो आती थी ग्रामोफोन की प्लेट, बहुत पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, तो वो डिस्क कहलाती थी। और डिस्क नाम भी इसीलिए, जैसे डिश होती है अपन उसमें सामान रख सकते हैं, ऐसे ही इसको नाम दे दिया डिस्क, जिसमें डाटा रख सकते हैं, तो इसका नाम ही डिस्क हो गया। और उस समय तो वो हार्ड डिस्क बना करती थी, फिर धीरे धीरे आपकी फ्लॉपी डिस्क बनी, तो फ्लॉपी डिस्क जो है इसमें प्रयोग में ली जाती थी। तो अब जब इन फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए जगह आती थी, जिन्हें हम बोलते हैं ड्राइव, सीपीयू, उसमें जैसे आप सीडी में, सीडी ड्राइव में सीडी लगाते हैं, उसको सीडी ड्राइव बोलते हैं लगाने की जगह को, इस तरीके से जहां फ्लॉपी लगाते थे आप, उसको फ्लॉपी ड्राइव कहते थे। और इन ड्राइव्स का नाम भी फिक्स होता था, ए ड्राइव और बी ड्राइव हमेशा फ्लॉपी के लिए होते थे। आज भी आप आपके कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में जब खोल के देखेंगे तो आपको ए ड्राइव, बी ड्राइव पे काम आप नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ए ड्राइव, बी ड्राइव फ्लॉपी के लिए होता है, आपकी सी हार्ड डिस्क के लिए होता है, जिसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर सबसे पहले होने जरूरी हैं और वहां से कंप्यूटर आपका चल रहा है। जब भी आप काम करते हैं सबसे पहले आपका डाटा रैम में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और जब आप उसे सेव करते हैं तो वो एक्सटर्नल मेमोरी में, यानी हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में, या आपकी हार्ड डिस्क के डी भाग में या ई भाग में, जिसमें भी आप सेव करते हैं ये उसमें जाता है। सी में भी आप सेव करते हैं, सी में भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना आवश्यक डाटा डी, ई वगैरह में सेव करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि इस प्रकार से ये हमारे जो बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी में से लाके हम अपने कंप्यूटर में सी में कॉपी करते थे, वो हमारे एक्सटर्नल कमांड्स कहलाते थे। और इस प्रकार से जैसे विंडोज का एक बूटिंग प्रोसेस होता है, जो मैंने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, मेरी जो पहली वीडियो है प्रैक्टिकल की, उसमें मैंने विंडोज का बूटिंग प्रोसेस बताया है, ठीक उसी प्रकार से डोज में भी बूटिंग प्रोसेस होता है। और वो इसका नाम डोज इसीलिए रखा क्योंकि डिस्क से ही, डिस्क को लगाना पड़ता था, फिर कंप्यूटर चालू होता था, फिर डिस्क से चालू हो गया, उसके बाद अगर आपको विंडो वो चलाना है, एमएस ऑफिस चलाना है, एमएस ऑफिस भी चलता था तो वो, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में ही एमएस विंडोज के अंदर वो आया करता था, विंडोज 3.1 के अंदर। तो वहां पे
उसके लिए आपको फिर विंडो, एक बार कंप्यूटर चालू हो गया तो आप फ्लॉपी निकालते थे, फिर आप एमएस ऑफिस की सीडी फ्लॉपी उसमें लगाया करते थे। तो इस प्रकार से डिस्क से पूरा ऑपरेट होता था, इसीलिए इसका नाम रखा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क को चलाने वाला एक तरीका। यहाँ ये बात हो गई, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके कमांड्स की बात भी हो गई, जिनको हम सिंटैक्स सहित और आगे डिटेल में देखेंगे कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या किए जाते हैं, लिस्ट देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स की। यहाँ मैं बूटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रही थी। तो इसकी डोज की 5 फाइलें होती हैं जो बूटिंग प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इस बूटिंग प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, तब तक आप देखते रहें मेरी नेक्स्ट वीडियो को। ये वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बना के और अपलोड कर सकूँ, आपको देखने में समझने में बोरियत भी ना महसूस हो। तो देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को। ओके बाय, थैंक यू।